गुलाबी नगरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सभी को बताइए प्लीज। गुलाबी नगरी से काफी प्रभावित हो गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं गुलाबी रंग में आ गई मैं। लेकिन नहीं, विकी कह रहे थे एक्चुअली हम बिरला ऑडिटोरियम में थे और विकी ने बहुत सही तरह से कहा था कि एक जो जगह होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और उसकी सबसे अहम पर्सनैलिटी उनके लोग ही होते हैं। और जितना प्यार हमें आज जयपुर के लोगों से मिला है, आई थिंक दैट बहुत अच्छा स्वागत हो गया हमारा। और जैसे आपने कहा कि ये जो कल्चरल ट्रेडिशन से भरी हुई जो शहर है, यहाँ तिलक से लेकर, ये जो गार्लैंड से लेकर, अमेजिंग खाना। एक लेडी थी, कहाँ थे हम, बिरला ऑडिटोरियम में थे ना, और मुझे बहुत मन कर रहा था बेसन के लड्डू खाने का, और उनके पास एक्चुअली था, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि वो हनुमान जी का प्रसाद था और उन्होंने हमें दे दिया, तो हम लोगों ने वो भी खा लिया, तो बहुत ही अच्छा गया। शॉपिंग भी गए हम लोग जुतियों के लिए और दुपट्टों के लिए, लहरिया बांधी माई फेवरेट, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा गया है।